हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस फोर्थ एंड लास्ट लेक्चर ऑफ यूनिट वन ऑफ मैनेजमेंट। इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्लोबलाइजेशन, इट्स एडवांटेजेज, इट्स डिसएडवांटेजेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, वेयर आई हैव लर्न अबाउट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, प्रोसेस इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद लेक्चर आउटकम। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, इज इट विजिबल? ओके। सो आफ्टर दिस सेशन you will be, and you students will be able to define the globalization, describe the advantages and disadvantages of globalization with respect to India, explain the terms intellectual property right, that is IPR, discuss the intellectual property right, explain the terms patent, trademarks, copyright, design, trade secrets and geographical location or geographical indications. So let us start with globalization. Globalization means a free movement of capital, goods, technology and people. yani globalization ka matlab hota hai ki chahe वो कैपिटल हो या वस्तु हो, टेक्नोलॉजी हो या विचार हो, इसका विद इन द ग्लोब फ्री मूवमेंट। एनी ग्लोबलाइजेशन दैट ओमिट द लास्ट वन इज पार्शियल नॉट सब्सटेंशियल। यानी कोई भी वैश्वीकरण जो पिछले को छोड़ता है और वह मतलब छोड़ देता है, उसको कहें होंगे हम कि इट इज पार्शियल नॉट सब्सटेंशियल, दैट इज इट इज नॉट सफिशियंट, यानी ये पर्याप्त नहीं है, ये आंशिक है। अब थोड़ा सा देखते हैं ब्रॉड में इंट्रोडक्शन टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड विदाउट क्रिएटिंग एनी हिंड्रेंसेज इन फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, इवन लेबर और ह्यूमन कैपिटल ना। यानी जो है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का मतलब वैश्वीकरण होता है, वह पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने की, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया है, और उसमें विदाउट किसी हिंड्रेंस, किसी बाधा के ना, जहाँ की वस्तु, सेवा, टेक्नोलॉजी और सर्विस और गुड्स, इवन जो ह्यूमन कैपिटल है, मानव पूंजी, जो अनस्किल्ड लेबर है, उन सब का विदाउट किसी हिंड्रेंस मूवमेंट फ्री हो सके। द टर्म ग्लोबलाइजेशन हैड फोर पैरामीटर्स। अब ये फोर पैरामीटर्स क्या है ग्लोबलाइजेशन को, इसको देखते हैं। फर्स्ट, रिडक्शन ऑफ फ्री ट्रेड बैरियर्स टू फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग द नेशन स्टेट्स ना। यानी जो बैरियर्स हैं ट्रेड के ना, टैरिफ के माध्यम से लगाए, उसको लिबरलाइज किया जाए, उसको लेस रिस्ट्रिक्टेड किया जाए, ताकि जो है उसमें गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो हो वो फ्री हो सके ना। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ एनवायरनमेंट इन व्हिच फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल कैन टेक प्लेस अमंग नेशन स्टेट्स। अब जो है कि इस तरह का पर्यावरण, इस तरह का माहौल क्रिएट करना जहाँ की कैपिटल या गुड्स का फ्री आवागमन हो सके ना विभिन्न राष्ट्रों के बीच। क्रिएशन ऑफ एनवायरनमेंट परमिटिंग फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, उस तरह का भी माहौल बनाया जाए जहाँ की फ्री टेक्नोलॉजी का भी आवागमन हो सके। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, क्रिएशन ऑफ एनवायरनमेंट इन व्हिच फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर कैन टेक प्लेस इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ना। यानी विश्व के भिन्न भिन्न देशों में जो हमारे लेबर हैं उनका फ्री मूवमेंट हो सके, ये डेवलपिंग कंट्री के सेंस में कहा गया। तो ये सारा ग्लोबलाइजेशन का उद्देश्य था। अब ग्लोबलाइजेशन
से सिर्फ इंडिया ही नहीं वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री लाभान्वित हुए। उसमें ग्लोबलाइजेशन का क्या लाभ है, क्या उसका एडवांटेजेज है और डिसएडवांटेजेज है, उसको हम यहाँ देखेंगे। तो फर्स्ट एडवांटेज दैट ग्लोबलाइजेशन लेट्स कंट्रीज मूव क्लोजर टू ईच अदर, यानी ग्लोबलाइजेशन से पूरा वर्ल्ड के हर कंट्री एक दूसरे के नज़दीक आ गए हैं। बिकॉज बहुत सारे जो है कि जो रिस्ट्रिक्शन थे ट्रेड का, उसको लिबरलाइज कर दिया गया है। पीपल कंपनीज इवन ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट कंट्रीज कैन लिव एंड वर्क टुगेदर, एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। चाहे वो व्यक्ति हो, कंपनीज हो, और कोई संस्था हो, वो सब एक साथ मिलकर कोई भी कार्य कर सकते हैं, ज्वाइंट वर्क कर सकते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन के कारण है, पहला लाभ। दूसरा है, वी कैन एक्सचेंज गुड्स मनी आइडियाज फॉर फास्टर एंड चीपर देन इवर बिफोर। पहले से जो था कि अब हम चाहे वस्तु है, चाहे मनी है या आइडिया, इनका बहुत तेजी से हम चीपर रेट पे पहले से आदान प्रदान कर सकते हैं एक दूसरे के बीच ग्लोबलाइजेशन कारण। और ये इंडिया की ही बात नहीं, ये वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में ना, जो कि इस ग्लोबल फैमिली के मेंबर है। देन ग्लोबलाइजेशन गिव्स यू अ लार्ज मार्केट। ठीक है, पहले था कि हम अपने प्रोडक्ट को सिर्फ अपने कंट्री में ही बेच सकते हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन होकर हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए खोल दिया गया, जिससे ये हुआ कि हम अपने प्रोडक्ट को सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड के किसी कंट्री में ले जाकर बेच सकते हैं। सो यू कैन सेल मोर गुड्स, मेक मोर मनी, ज्यादा वस्तु बेचकर और ज्यादा आप पैसा कमा सकते हैं। सो यू कैन क्रिएट मोर जॉब। ठीक है, ज्यादा जॉब भी क्रिएट कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन कैन इम्प्रूव बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, यानी जो कंट्रीज हैं उनके बीच में डिफरेंट एस्पेक्ट में उनका बिजनेस रिलेशन जो है, उनके जो बिजनेस का संबंध है, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विस कैन इम्प्रूव बाई वर्किंग इन मोर कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब जब हमारी इकोनॉमी ओपन हो गई, तो वर्ल्ड के डिफरेंट प्रोड्यूसर आकर अपना प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, यहाँ प्रोडक्शन कर सकते हैं ना। तो उससे क्या हुआ कि जिनके पास पहले से मोनोपोली पावर था, जो हाई प्राइस चार्ज करते थे, अब उनको अपने प्राइस को लो करना होगा और उस कंपटीटर के इर्द गिर्द अपने प्राइस को रखना होगा, ताकि उनके कस्टमर बने रहें। अदरवाइज कोई भी कस्टमर उस प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा झुकाव कर रखता है, जिधर की क्वालिटी के साथ साथ कम प्राइस भी हो। देन मार्केट विल मूव टुवार्ड्स कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट फ्रॉम मोनोपोलिस्टिक इन्वायरमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि जब क्या बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन नहीं था, तो कंपटीशन कम था, क्योंकि जो भी हमारे कंट्री में प्रोडक्ट प्रोडक्शन करते थे, उन्हीं लोग बेचते थे। तो एक दो रहते थे, तो इससे उनके पास एकाधिकारिक शक्ति थी, यानी उस वस्तु का उत्पादक करने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति या कुछ व्यक्ति थे, जिसके वजह से उनकी प्राइस हमेशा हाई रहता था। लेकिन जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो बहुत लोग उसमें आ गए और ज़्यादा कंपटीटर हो गए। इसलिए अब क्या हुआ, इससे हमें एक मोनोपोलिस्टिक से कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट की तरफ मूव करने का अवसर मिला। अगेन जो है कि कंट्रीज बेनिफिटिंग फ्रॉम अदर कंट्री स्पेशलिटीज, जो कंट्रीज है वो अदर कंट्रीज के जो स्पेशलिटीज है, उसका जो स्पेशलाइजेशन है, उससे अपना बेनिफिट ले सकते हैं। मूवमेंट ऑफ कैपिटल बिटवीन कंट्रीज इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट ना, और जो है कि मूवमेंट ऑफ कैपिटल, जो हमारा कैपिटल है, जो पूंजी है, उसका डिफरेंट कंट्री के बीच में मूवमेंट होगा इन्वेस्टमेंट के रूप में ना, तो ये भी ग्लोबलाइजेशन के कारण हो सका। नेक्स्ट, मैसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये सब ग्लोबलाइजेशन का देन है कि हम कहीं से भी किसी प्रकार का टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं, आर्म्स खरीद सकते हैं डिफेंस से रिलेटेड, और सारी सुरक्षा संबंधित सामग्री खरीद सकते हैं। इजी इमिग्रेशन मूवमेंट एंड सेटिंग अप ऑफ पीपल इन फॉरेन कंट्रीज, इवन अ स्टूडेंट कैन ऑल्सो गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी एनी वेयर इन द वर्ल्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ग्लोबलाइजेशन के वजह से हम एक इस कंट्री से दूसरे कंट्री में जा सकते हैं, वहाँ स्टडी कर सकते हैं
ना वहाँ रह सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ग्लोबलाइजेशन का देन हुआ। और आपको ये भी पता होगा कि 1991 में, जबकि हमारे कंट्री के पास ओनली 7 डेज के लिए जो था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में रिजर्व, तो उस समय ही एलपीजी पॉलिसी लाई गई डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको 5th सेमेस्टर में बताया था, और इसके माध्यम से जो था लिबरलाइजेशन के माध्यम से इंटरनल जो था उसमें रूल रेगुलेशन को लिबरलाइज किया गया, प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से गवर्नमेंट सेक्टर में वो इंडस्ट्री जो बहुत दिनों से लॉस में चल रही है उसके बहुत सारे सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर के यहाँ तो बेच दिया गया, डिसइन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं। और देन ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से जो इंडियन इकोनॉमी थी उसको वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए ओपन कर दिया गया और इंटीग्रेट किया गया वर्ल्ड इकोनॉमी से। तो ये सारी चीजें उस समय हुई। डिसएडवांटेजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज बिकॉज कंपनीज मूव दियर फैक्ट्रीज टू प्लेसेज वेयर दे कैन गेट चीपर चीपर वर्कर। यानी कि ग्लोबलाइजेशन बेरोजगारी भी, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज है वहाँ बेरोजगारी भी क्रिएट करती है। कैसे? कि वो क्या करेगी कि अपनी कंपनी को वहाँ शिफ्ट करने की कोशिश करेगी जहाँ कि उसको कम दाम पर लेबर मिलते हैं, क्योंकि कम दाम पर लेबर मिलेंगे तो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट घट जाएगा और उसी क्वालिटी का सेम प्रोडक्ट लॉन्च होगा और इससे उसकी बेनिफिट बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो उसका ओरिजिन कंट्री है वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की, यानी बेरोजगारी बढ़ने की संभावना होती है, क्योंकि डेफिनेटली वो उन लोगों को रिट्रीटमेंट करेगा, उनकी छटनी होगी और नए लेबर को रिक्रूट करेगा। तो ये एक हो सकता है डिसएडवांटेज। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन में लीड्स टू मोर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ना, दूसरा कि वो ज्यादा पर्यावरण संबंधी समस्या क्रिएट कर सकता है। कंपनी में वांट टू बिल्ड फैक्ट्रीज इन अदर कंट्रीज बिकॉज एनवायरमेंटल लॉज आर नॉट एज स्ट्रिक्ट एज दे आर एट होम। यानी कि दूसरे जगह ये भी मूव करे, चलिए वहाँ पर्यावरण से संबंधी जो लॉ है वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है और ज़्यादा हमें पोल्यूशन टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, इसलिए हमें वहाँ पर रन करना आसानी होगा। इसलिए जो है डेवलप्ड कंट्री के बहुत सारे कंपनी डेवलपिंग कंट्री में जाकर अपने जो है कि प्लांट सेटअप करते हैं और वहाँ इस ग्लोबलाइजेशन का फायदा लेकर अपनी प्रोडक्ट को वहाँ से विश्व में भेजते हैं, लेकिन उस कंट्री के इन्वायरमेंट को डिटरेट करते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन एनिमल प्लांट्स डिजीज कैन स्प्रेड मोर क्विकली थ्रू द ग्लोबलाइजेशन। यानी जैसा कि आप COVID-19 अभी देख लीजिए कि विद इन मंथ यदि कहिए तो वर्ल्ड के पूरे कंट्री में फैल गया। ये दिस इज द ड्यू ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। यानी कि ग्लोबलाइजेशन में हर चीज का फ्री मूवमेंट है, फास्ट है, इस कंट्री से उस कंट्री आ रहे हैं, जा रहे हैं लोग। तो जैसा कि आपको दिसंबर में चाइना के वुहान में COVID-19 शुरू हुआ था और देखते ही देखते 1 से 2 महीना में पूरे वर्ल्ड के देशों में फैल गया, और इसका यही रिजल्ट था कि ये ग्लोबलाइजेशन ना। तो ये भी है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द फोर्थ, ट्रेडिशनल नॉर्म्स एंड कल्चर में भी लॉस्ट एंड इग्नोर्ड। ठीक है, ये भी हो सकता है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आएगा तो हम जो हमारी लोकल लेवल पर जो कल्चर हैं वो इग्नोर्ड हो जाएंगे, उसको लोग नहीं उसका ध्यान देता है। देन लोकल स्मॉल बिजनेस में भी ओवरटेकन और एक्सप्लॉइटेड। जब मल्टीनेशनल कंपनी आएगी और हाईली टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोडक्ट लॉन्च करेगी तो जो हैंड मेड प्रोडक्ट है तो उस पे प्रभाव पड़ेगा, क्यों पीपल उस तरह के प्रोडक्ट परचेज करें। तो इससे क्या होगा कि उनके क्षेत्राधिकार का हनन होगा और वो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। जैसा कि 6th पॉइंट में मैं लिखा हूँ कि पॉसिबल इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, इनसे जो है कि संभवतः बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेज हैं ग्लोबलाइजेशन के। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन भी अक्सर ऑब्जेक्टिव रेज किया जाता है तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रेफर्स टू द जनरल टर्म्स फॉर असाइनमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स थ्रू पेटेंट्स, कॉपी राइट्स एंड ट्रेडमार्क्स।
ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, जनरल राइट्स है, जो कि आपको प्रॉपर्टी की तरह ही ये असाइन किया जाता है इन फॉर्म ऑफ पेटेंट के माध्यम से, कॉपीराइट के माध्यम से और ट्रेड मार्क्स के माध्यम से. दिज प्रॉपर्टी राइट्स अलाउ द होल्डर्स टू एक्सरसाइज मोनोपोली ऑन द यूज ऑफ द आइटम फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड. यानी ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, यह एक एकाधिकारिक पावर देता है वह व्यक्ति जो कि इससे जुड़ा हुआ है, जो इससे उसका रियल जो है प्रोपाउंडर है. और ये जो है जो स्पेसिफाइड पीरियड करता है कि आप इस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी का यूज कब तक कर सकते हैं. ज्यादा साधारण में इसे कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, मानव मस्तिष्क की उत्पत्ति है. लाइक इन्वेंशन, लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क, सिंबल्स, नेम्स, इमेज, डिजाइन, इड इन बिजनेस, ये सारा चीज. तो इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट टाइम पीरियड निर्धारित है, जिसको हम अभी देखेंगे. अब इसमें देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कितने, कैसे, कौन किस कैटेगरी में डिवाइड होता है. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज डिवाइडेड इंटू टू बोर्ड कैटेगरीज. फर्स्ट इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी विच इंक्लूड्स इन्वेंशंस, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, फाइल अदर इज कॉपीराइट. कॉपीराइट्स विच इंक्लूड लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक्स वर्क, वर्क्स सच एज नोवेल, पोयम, प्लेज, फिल्म्स, म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्टिक्स वर्क सच एज ड्राइंग्स, पेंटिंग, जैसे आप मधुबनी पेंटिंग का नाम सुने हैं ना, पेंटिंग्स, फोटोग्राफिक्स, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चरल डिजाइन. तो ये सारी चीजें हमारे कॉपीराइट में आ जाती है. तो अब हम इसका इम्पोर्टेंस क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंसेंटिव्स टू इंडिविजुअल फॉर न्यू क्रिएशन. यानी एक तरीके से वह क्रिएटिव लोगों को एक प्रोटेक्ट करता है कि भाई आपने कुछ न्यू नया किया है, तो हम इतने टाइम तक आपको एक एक्सक्लूसिव राइट देते हैं, विशेष अधिकार देते हैं कि आप ही इसका यूज कर सकते हैं और बिना आपके सहमति का इसका यूज कोई नहीं करेगा. दूसरी चीज है कि प्रोवाइड्स ड्यू रिकॉग्निशन टू द क्रिएटर्स एंड इन्वेंटर. जो भी इसके उत्पादक, डिजाइनकर्ता, आविष्कारक है, उसको एक पहचान प्रोवाइड करता है. थर्ड, इट हेल्प्स ऑथर्स, क्रिएटर, डेवलपर्स एंड ओनर टू गेट रिकॉग्निशन फ्रॉम दियर वर्क. कि भाई अपने जो आपने काम किया है उससे एक उसको पहचान भी मिलती है सोसाइटी में. एंड फोर्थ, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन इज क्रिटिकल टू फॉस्टरिंग इनोवेशन. तो ये इनोवेशन को भी काफी गति दो, इसके लिए भी ये प्रोटेक्ट करता है. तो अब हम इसको एक एक करके काफी विस्तार से इसका हम डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट जो है पेटेंट. पेटेंट देखिए, इसमें बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसलिए इसको आप ध्यान से सुनिएगा. पेटेंट्स गवर्न बाय द पेटेंट्स एक्ट 1970. ये पेटेंट इन्वेंशन का होता है ना, कोई भी आविष्कार का. और ये जो है कि 1970 यानी 1970 एक्ट के द्वारा इसको गवर्न किया जाता है. ए पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन व्हिच इज ए प्रोडक्ट और प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स ए न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग और ऑफर्स ए न्यू टेक्निकल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम. तो ये उनको प्रोवाइड किया जाता है जो कि या तो कुछ करने का नई तरीका खोजे हैं, या जो है कि कोई नया तकनीकी सॉल्यूशन उन्होंने दिया है. यानी एक इसको आप जानिएगा कि किसको देते हैं पेटेंट, तो एक इन्वेंशन को. तो ये एक ऑप्शन हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव के लिए. नेक्स्ट, दैट इज द टू गेट पेटेंट टेक्निकल इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वेंशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड टू द पब्लिक इन ए पेटेंट एप्लीकेशन. जब आप पेटेंट का एप्लीकेशन भरते हैं, जब उसके लिए पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको इसका जो एप्लीकेशन है उसमें सारे चीजों को डिस्क्लोज करना होगा जो इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड है. इसको सैद्धांतिक तौर पर कह सकते हैं कि पेटेंट ओनर हैज एक्सक्लूसिव राइट टू प्रिवेंट और स्टॉप अदर फ्रॉम कमर्शियल एक्सप्लॉइटिंग द पेटेंट्स, सॉरी, पेटेंटेड
इन्वेंशन, यानी ये क्या करता है कि जो इसके आविष्कारक है, जो ऑनर है, उसको एक यह राइट प्रोवाइड करता है कि जो भी पेटेंटेड वस्तु है, जो भी आविष्कार है, उसका कमर्शियली वो यूज ना करे। प्राइवेटली यूज कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उस वस्तु को लेकर फिर जो है कि खरीद बिक्री खुद उसका यूज करके कमर्शियल पॉइंट एंड बिजनेस पॉइंट से करे। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, पेटेंट प्रोटेक्शन मीन्स दैट इन्वेंशन कैन नॉट बी कमर्शियली मेड, यूज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, इम्पोर्टेड, सोल्ड बाई अदर्स विदाउट पेटेंट ओनर कंसेंट। यानी जो जिन्होंने पेटेंट कराई है उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट का, इन्वेंशन का, उसका कंसेंट, उसकी सहमति के बिना हम उसको न तो बेच सकते हैं, न यूज कर सकते हैं, इवन न आयात कर सकते हैं, सोल्ड, ये सारी चीजें चीजों जो है हम उसके सहमति से ही कर सकते हैं। जो भी हो, पेटेंट्स आर टेरिटोरियल राइट, ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा अक्सर पूछता है कि किस तरह का राइट है, तो ये टेरिटोरियल राइट्स है ना, टेरिटोरियल मतलब क्षेत्रीय राइट्स है। इन जनरल एक्सक्लूसिव राइट्स आर ओनली अप्लीकेबल इन द कंट्री और रीजन विच ए पेटेंट हैज बीन फाइल्ड एंड ग्रांटेड, ओके ना, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ द कंट्री और रीजन। यानी ये जो है एक्सक्लूसिव राइट वहीं तक अप्लीकेबल है जिस रीजन में या जिस कंट्री में ये पेटेंट उसके लिए फाइल किया गया। ऐसा नहीं कि आप यदि बिहार में कर रहे हैं या इंडिया में किए तो पूरे वर्ल्ड पर ये लागू होगा ना। तो ये हर जो है कि एक्सक्लूसिव राइट उस पार्टिकुलर कंट्री या उस पार्टिकुलर रीजन के लिए ही इस पर जारी होता है। द प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू फॉर लिमिटेड पीरियड, जनरली 20 ईयर्स फ्रॉम द फिलिंग डेट्स of application. Actually, इसका लिमिटेड पीरियड होता है और जिस डेट में आप एप्लीकेशन फिलअप करते हैं उससे आपको 20 दिन की राइट प्रोवाइड करता है, सॉरी 20 साल का ना, उससे 20 साल का। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कितने साल का होता है, इसका प्रोटेक्शन 20 ईयर का होता है। ओके, व्हेन पेटेंट इज ग्रांटेड द अप्लीकेंट बिकम ऑनर ऑफ पेटेंट। जैसे ही पेटेंट ग्रांट होता है और तो जो अप्लीकेंट है, जो अप्लीकेशन करता है, वह उसका मालिक हो जाता है। लाइक एनी अदर फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, ए पेटेंट कैन बी बॉट, सोल्ड, लाइसेंस्ड एंड मॉर्टगेज्ड। यानी ये जैसे दूसरी संपत्ति को आप गिरवी रख सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं, उसी प्रकार पेटेंट को भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी चीज है ना, तो ये आप लोगों के लिए भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है यदि आप कुछ नया करते हैं तो। अब हम आते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट गवर्न बाय कॉपीराइट एक्ट 1957 यानी 1957। कॉपीराइट को हम ऑथर्स राइट भी कहते हैं। इज ए लीगल टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब द राइट्स दैट क्रिएटर्स हैव ओवर देयर लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। जो भी आपने कोई साहित्य लिखा, कुछ नोवेल लिखा, या कुछ आपने कला संबंधी कोई आर्टिस्टिक वर्क किया, तो उसके ऊपर प्रोवाइड कर, वर्क्स कवर्ड बाय कॉपीराइट्स रेंज फ्रॉम बुक्स, म्यूजिक, पेंटिंग्स, देन स्कल्पचर्स, फिल्म, टू कंप्यूटर प्रोग्राम, डाटाबेस, एडवर्टाइजमेंट, मैप, टेक्निकल ड्राइंग, ये सारे चीज जो है कॉपीराइट में कवर होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन किसको एक कॉपीराइट नहीं है। तो एक ट्रेडमार्क का एग्जांपल दे देगा, एक जो है कि आपको ट्रेड सीक्रेट का दे देगा, फिर एक आपको पेटेंट का दे देगा। तो इस तरीके से आपको इस पर क्लियर कट रहना होगा। अब हम देखते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइट्स अंडर कॉपीराइट। कॉपीराइट्स के अंदर टू टाइप्स राइट होते हैं। फर्स्ट इज दैट इकोनॉमिक राइट्स एंड सेकंड मोरल राइट्स। सो फर्स्ट इकोनॉमिक राइट्स विच अलाउ द राइट्स ऑनर टू ड्राइव फाइनेंशियल रिवार्ड फ्रॉम द यूज ऑफ हिज वर्क्स बाय अदर्स। अब जो है कि इकोनॉमिक राइट्स में वो जो एक फाइनेंशियल रिवार्ड होता है जो कि अदर यूज करेंगे, ताकि विच अलाउ राइट्स ऑनर जो उसके मालिक है उसको राइट देता है टू ड्राइव फाइनेंशियल रिवार्ड, यानी उनसे फाइनेंशियल जो है रिवार्ड जो पुरस्कार है वो ले किसे, द यूज ऑफ हिज वर्क बाय अदर्स। वह जो उनके रचना को, जो उनके कार्य को दूसरे द्वारा जो यूज करते हैं उसके बदले में वो
उनको देंगे जो कि जिनके पास है इकोनॉमिक राइट है. सेकेंड इज दैट इज द मोरल राइट विच प्रोटेक्ट नॉन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ऑथर्स, यानी ये जो है कि गैर आर्थिक ऑथर के गैर आर्थिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है मोरल राइट ना, जिसको नैतिक कहते हैं. अब हम इकोनॉमिक राइट्स हैव टाइम लिमिट्स, अब थोड़ा इसको और बेहतरीन तरीके से समझ हैव राइट है टाइम लिमिट विच कैन वैरी अकॉर्डिंग टू नेशनल लॉ ना, जो कंट्री का लॉ है उसके अकॉर्डिंग वैरी करता है. इन दोज कंट्रीज विच आर मेंबर ऑफ बर्न कन्वेंशंस द टाइम लिमिट शुड बी इक्वल टू और लॉन्गर देन 50 ईयर्स आफ्टर क्रिएटर्स डेथ, यानी जो भी रचना करता है जो भी उस पर्टिकुलर चीज का डिजाइन किया है आविष्कारक है ना राइटर है, उसके डेथ के बाद भी उसको 50 साल की राइट दी जाती है ना. लॉन्गर पीरियड ऑफ प्रोटेक्शन में हाउ एवर बी प्रोवाइडेड एट नेशनल लेवल. अब यदि मान लेते हैं 50 साल से यदि ऊपर इसके लिए प्रोटेक्शन देना है तो वो नेशनल लेवल पे ही आपको मिलेगा ना, आपकी कंट्री देगी ना. कंटेक्ट योर, यदि आप इसको ज़्यादा जानने चाहते हैं तो इसमें आप यहाँ YPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पे में आप जाकर पढ़ सकते हैं, वहाँ दिया हुआ नेशनल लेजिस्लेशन के बारे में. जैसे कुछ कॉपी राइट्स के एग्जाम्पल मैंने दिया है और कॉपी राइट्स से कैसे ये लोग जो हैं कि काफ़ी इनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है. थोड़ा सा हम देखते हैं, पहले देखिए वंशाली, संजय वंशाली आप जो फिल्म से रिलेटेड हैं उनका है. देन इंडिया जो है इंडिया टीवी, रजत शर्मा का इंडिया टीवी है, वो काफ़ी पुअर फैमिली से थे, बहुत गरीब थे, लेकिन इनकी कॉपीराइट के माध्यम से कैसे बड़े. ओफ्रा विनफ्रे इनका शो है, ये भी काफ़ी पुअर फैमिली से थे जो इसके माध्यम से इनकी आर्थिक स्थिति इंप्रूव हुई. हैरी पॉटर और हैरी हर स्टोरी के बारे में आप जानते होंगे, हैरी पॉटर के बारे में. तो ये सारी चीज़ें जो है कि कॉपीराइट एक इस तरह आपको प्रोवाइड किया जाता है तो कहीं ना कहीं एक आपको वेल्थ इंक्रीज करने में मदद करता है. नेक्स्ट आते हैं ट्रेडमार्क्स, गवर्न बाय द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 यानी 1999 एक्ट के तहत ये गवर्न होता है. ट्रेडमार्क्स इज ए साइन कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन इंटरप्राइज फ्रॉम दोज ऑफ अदर इंटरप्राइज ना. ये जो है कि एक जो लोगो होता है, जो अलग टाइप्स के डिजाइन होता है, उस मार्क से, ट्रेडमार्क से आपको एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग दिखाता है, दूसरे एंटरप्राइज से अलग दिखाता है. वही कह रहा है ना, कैपेबल डिस्टिंग्विश ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन एंटरप्राइज फ्रॉम, यह किस एंटरप्राइज का यह है वो ट्रेडमार्क से होता है डिसाइड. ट्रेडमार्क्स आर प्रोटेक्टेड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ना, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के माध्यम से प्रोटेक्ट किया जाता है. अब इसमें देखते हैं, ट्रेडमार्क्स इज यूज्ड एज ए मार्केटिंग टूल्स टू दैट कस्टमर कैन रिकोगनाइज द प्रोडक्ट ऑफ पार्टिकुलर ट्रेडर, यानी इसको इस फॉर्म में यूज किया जाता है कि जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है उसका, वो उस प्रोडक्ट को पहचान सके कि ये ही इसका पहचान है, ये इस पार्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट है, यही ओरिजिनल है. तो ये चीज है. नेक्स्ट, टर्म्स ऑफ ट्रेडमार्क्स रजिस्ट्रेशन कैन वैरी बट यूजली 10 ईयर, ये हर जगह वैरी करता है जो ट्रेडमार्क्स का रजिस्ट्रेशन, लेकिन जनरली ये 10 साल के लिए होता है. इट कैन बी रिन्यूड इनडिफिनिटली ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फी, यानी अतिरिक्त फी पेमेंट कर करके या आप जो है अनिश्चित काल तक इसको कैरी ऑन कर सकते हैं ट्रेडमार्क को. और ट्रेडमार्क राइट्स आर प्राइवेट राइट्स एंड प्रोटेक्शन इज एनफोर्स्ड थ्रू कोर्ट्स ऑर्डर ना, ये एक जो है प्राइवेट राइट है. देखिए यहाँ क्वेश्चन बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव बनेगा ना, यह ट्रेडमार्क प्राइवेट राइट है और इसको जो है कोर्ट के ऑर्डर से एनफोर्स किया जा सकता है. अब किया जाता है, ए वर्ड्स और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, लेटर्स, न्यूमरल्स कैन परफेक्टली कंस्टिट्यूट ए ट्रेडमार्क, बट ट्रेडमार्क्स में ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ड्राइंग सिंबल्स, थ्री डायमेंशनल फीचर्स सच एज से पैकेजिंग ऑफ गुड्स, नॉन विजिबल साइंस सच एज साउंड, फ्रेगनेंस, कलर, शेड्स. तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसका पहचान है
कि भाई इस शेप का है तो ये इससे रिलेटेड है, इस कंपनी का ये फ्रेग्रेंस है, ये उसका सुगंध है, ये साउंड है तो इसका है। तो सबका अपना जो है वो ट्रेडमार्क है और उससे पहचाना जाता है। जैसे आप टाटा देखिएगा तो एक लिखने का वो स्टाइल है टाटा, महिंद्रा की जो गाड़ी है उस पर भी महिंद्रा का लिखने का एक स्टाइल है लेटर। रिलायंस कैसे आप देखेंगे हर जगह उसका एक ट्रेडमार्क है। गूगल जो लिखता है जिस स्टाइल में दूसरा उसको यूज नहीं कर रहा, टेस्ला हुआ, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, फेसबुक ना, एप्पल, एप्पल का भी आप लोगो देखिएगा, एप्पल का लोगो की साइड में कटा हुआ, देन योयो यानी होटल बिजनेस के लिए जो होता है। तो ये सभी जो है ट्रेडमार्क के एग्जाम्पल हैं और इसको दूसरे लोग यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके पास इसका रजिस्ट्रेशन है और जो कि इनको प्रोटेक्ट करता है दूसरे के यूज से। अब हम आते हैं डिजाइन, गवर्न बाय द डिजाइन एक्ट 2000। डिजाइन मीन्स ओनली द फीचर ऑफ शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, ऑर्नामेंट्स और कंपोजिशन ऑफ लाइंस, कलर्स अप्लाइड टू एनी आर्टिकल्स वेदर इन टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल और इन बोथ फॉर्म बाय इंडस्ट्री। तो डिजाइन जो है ना, ये भी आपको पैटर्न हुआ या कंपोजिशन हुआ लाइंस का, कलर का, आप देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट कलर का कहीं कहीं रहता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जो हम वोट डालने जाते हैं तो वहां पर देखिएगा वोटर आईडी का जो डिजाइन है उसमें कई कलर का कॉम्बिनेशन रहता है। इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट्स आर ग्रांटेड फॉर लिमिटेड पीरियड, ये भी जो डिजाइन कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए ग्रांट किया जाता है। द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन वैरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री बट अमाउंट एट लीस्ट 10 ईयर, ये भी होता है। मतलब हर देश में ये वैरी करता है लेकिन एक जो है कम से कम 10 साल के लिए प्रोवाइड किया जाता है डिजाइन का। इन मेनी कंट्रीज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन इज डिवाइडेड इनटू सक्सेसिव रिन्यूएबल पीरियड, यानी इसको लगातार आप रिन्यू करके रख सकते हैं। इस तरीके से भी बहुत देशों में ये किया हुआ है इसका। अब आते हैं ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। देखिए ट्रेड सीक्रेट है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन से विच मे बी सोल्ड और लाइसेंस। इन जनरल टू क्वालिफाई एज ट्रेड सीक्रेट द इंफॉर्मेशन मस्ट बी ट्रेड, जैसे एक कमर्शियली वैल्यूएबल बिकॉज इट इज सीक्रेट, यानी इसको दूसरा नहीं जानता है, इसका फार्मूला हो चाहे इसको बनाने के प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्शन करने का जो भी डिजाइन हो। बी नोन ओनली लिमिटेड ग्रुप ऑफ पर्सन, कुछ लोगों के पास ही उसका इंफॉर्मेशन रहता है, कुछ लोग ही उसको सीक्रेट रखते हैं और उसको लीक नहीं होने देते। बी सब्जेक्ट टू रीजनेबल स्टेप्स टेकन बाई राइटफुल होल्डर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टू कीप इट सीक्रेट इंक्लूडिंग द यूज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट ऑफ बिजनेस पार्टनर्स एंड एम्प्लॉय। तो ये जो है ये राइट जो होल्डर है उस जिस जो कि कीप सेक्रेट इंफॉर्मेशन रखने के लिए ना, वो यदि कोई पार्टनर या जो भी उसके साथ उस पार्टिकुलर बिजनेस में उसके साथ है इसका एग्रीमेंट रहता है कि इसको हमें कॉन्फिडेंशियल रखना है, और यदि इसका वायलेशन वो करता है तो इसके तरफ उसको भुगतना पड़ेगा और वो इस पे कंप्लेन कर सकता है जो भी उसका अनफेयर प्रैक्टिस का ना वायलेशन, कि आपने ट्रेड सीक्रेट का जो मेरा एग्रीमेंट था उसको वायलेट किया। नेक्स्ट, कंट्रेरी टू पेटेंट ट्रेड सीक्रेट्स आर प्रोटेक्टेड विदाउट रजिस्ट्रेशन, इसमें किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, बिना रजिस्ट्रेशन का इसका प्रोटेक्शन होता है। द ट्रेड सीक्रेट रिक्वायर नो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज फॉर देयर प्रोटेक्शन ना, बट प्रोटेक्टेड एंड अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ये जो है कि ध्यान रखिएगा कि ट्रेड सीक्रेट को हम अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना, कर सकते हैं। इट कैन बी डिस्कवर्ड और लीगली अक्वायर्ड बाय अदर्स एंड डिस्क्लोज टू पब्लिक, जब तक कि अनलेस मतलब जब तक कि इसको हम डिस्कवर ना करें या इसको हम डिस्क्लोज ना करें तब तक हम बहुत टाइम तक रख सकते हैं इसको। एक एग्जांपल से हम ट्रेड सीक्रेट को समझ सकते हैं। जैसे देखिए द टिपिकल एग्जांपल ऑफ कोको काला जो है ये ट्रेड सीक्रेट पे ही चलता है। दिस सॉफ्ट ड्रिंक वाज इन्वेंटेड इन 1886, 1886 में, एंड वाज नेवर प्रोटेक्टेड बाई पेटेंट, कभी भी इसको पेटेंट से प्रोटेक्ट नहीं किया गया है, ओनली बाई ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क
ट्रेडमार्क मतलब कोको कोला लिखने का जो स्टाइल है उसके लिए ट्रेडमार्क इन्होंने लिया है, एंड बाय इंडस्ट्रियल डिजाइन दैट दिस इज वेरी स्पेशल डिजाइन ऑफ कोको कोला बोतल। उसका बोतल का देखिएगा, कोको कोला का एक स्पेशल डिजाइन होता है ऊपर और बीच में पतला, फिर नीचे थोड़ा सा, तो उसके लिए इन्होंने डिजाइन लिया है। एंड द प्रोसेस ऑफ कोको कोला ड्रिंक इज सीक्रेट, यानी हाउ ये कैसे बनता है कोको कोला, ये उसका प्रोसेस कंप्लीट सीक्रेट है। और दो लोगों के भी कहा जाता है कि हस्बैंड और वाइफ जो इसके है इन्वेंटर, उन्हीं के पास ये सीक्रेट है और उससे आगे ये लोग किसी को नहीं बताए। तो ये सारी चीजें है। नेक्स्ट अब फाइनल दैट इज द जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज ए साइन यूज ऑन प्रोडक्ट दैट हैव ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन एंड पोजेज क्वालिटीज और ए रेपुटेशन दैट आर ड्यू टू ओरिजिन। यानी ये बताता है कि यदि किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को अपने क्वालिटी को इसलिए शो करता है कि ये इस पार्टिकुलर रीजन में इसका प्रोडक्शन हुआ है ना, तो वो पार्टिकुलर रीजन में ही उस क्वालिटी के, उस टाइप के प्रोडक्ट को सेम क्वालिटी के साथ प्रोड्यूस किया जा सकता है। इन ऑर्डर टू फंक्शन एज जियोग्राफिकल इंडिकेशन ए साइन मस्ट आइडेंटिफाई ए प्रोडक्ट एज ऑरिजिनेटिंग इन गिवेन प्लेस। इन एडिशन द क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स रेपुटेशन ऑफ प्रोडक्ट शुड बी इसेंशियली ड्यू टू प्लेस ऑफ ओरिजिन। यानी जैसा मैंने बताया कि जो सारी चीजें उस प्रोडक्ट में निहित है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उस पार्टिकुलर ओरिजिन में उसका प्रोडक्शन हुआ है। सिंस द क्वालिटीज डिपेंड्स ऑन द जियोग्राफिकल प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, there is a clear link between product and its original place of production. ना यानी जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि जैसे तिलकुट गया का ले लें, तो गया का तिलकुट का ये है कि भाई ये यहाँ पर बना हुआ है इसलिए ये काफी फेमस है गया में बना हुआ। जैसे मनेर का लड्डू बहुत ज्यादा आप सुनिएगा कि फेमस है ना, तो उस ओरिजिन के नाम से। दार्जिलिंग का चाय, दार्जिलिंग का चाय पूरे वर्ल्ड में कहते हैं कि पूरा फेमस है ना, तो वो दार्जिलिंग में प्रोडक्शन उसका होने के कारण, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का नेचर ना, वहाँ का सॉइल क्वालिटी। इस पे कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुरी स्लीपर जो है काफी फेमस है। देन नवद्यम हनुमान मंदिर का आप देख लीजिए, आप वो पटना में जो है उसका स्वाद आप अदर जगह नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कश्मीरी शॉल देख सकते हैं, सोलापुरी चादर देख सकते हैं। तो ये सारी चीज जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन का एग्जांपल है, जो ये बताते हैं कि यह इस पार्टिकुलर रीजन में इसका प्रोडक्शन हुआ है और इसलिए इस क्वालिटी के साथ ये इस सामने आया है। अब इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त हुआ और आप जो है कि यहाँ सेल्फ एसेसमेंट के लिए कुछ मैंने क्वेश्चन दिया है, आप इसको सेल्फ, ये इस लेक्चर पर आधारित है, और इसको सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। फिर यदि आप जानना चाहते हैं तो ये कुछ पॉइंट है, यहाँ पे आप जाके बहुत सारा चीज़ लर्न कर सकते हैं। फिर NPTEL का जो है IP इसेंशियल और स्ट्रेटजी करके है लेक्चर, वहाँ आप देख सकते हैं। फिर इंडियन इकोनॉमी में भी आप पढ़ सकते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ये चीज़ रहा, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या लर्न किए कि सीखे ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद हम लोग सीखे ग्लोबलाइजेशन का एडवांटेजेज डिसएडवांटेजेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में पढ़े, उसके बाद पेटेंट ट्रेडमार्क्स, देन कॉपीराइट, डिजाइन, ट्रेड सीक्रेट, एंड फाइनली हम लोग जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में पढ़े। तो इसी के साथ यूनिट वन आज समाप्त हुआ और अब जो है कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट टू शुरू करेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।